हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन जो स्टडी। आज फिर से आप लोगों के सामने है ग्लेन वीडियो के साथ, और आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 11th के लिए। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी किया था, जहां पर हमने फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी को पढ़ा था। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। जैसे कि आपकी 11th क्लास की बुक का नाम ही अकाउंटेंसी है, और उसके अंदर जो हम बातें करते हैं सारा अकाउंटिंग की बातें करते हैं, बुक कीपिंग की बातें करते हैं। तो आज हम पूरा डिटेल से एक बार जानते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, और इन तीनों में मेनली क्या आपका डिफरेंस होता है, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे आसपास में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से हम अपना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कंसेप्ट इजिली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग परचून का सामान खरीदते हैं, और इन जनरल हम ये सारा सामान एक ही शॉप से खरीदते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे जानकार बन जाते हैं और हम उनके लिए जानकार बन जाते हैं। कई बार आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप उसे उधार में मान ले लेते हैं, और उसको बोल देते हैं कि भाई मैं आपको कल परसों पैसे दे दूंगा। अब मान लीजिए आपका शॉपकीपर के पास एक उधार का खाता खुला हुआ है, और एक महीने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि बताइए मैंने टोटल मेरे कितने उधार बनती है, मुझे आपको कितना पैसा देना है। तो वो क्या करता है, एक बुक उठाता है और बुक में आपका नाम ढूंढता है, उसमें देखता है कि टोटल ट्रांजेक्शन कितना हुआ है। अब इसमें उसने जो भी आपका रिकॉर्डिंग किया, जहां पर आपने महीने के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितना भी सामान लिया था वो सारा उसने वहां पर रिकॉर्ड कर दिया था। और जब आपने उससे पूछा कि मेरी टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए, तो उसने बस कुछ नहीं किया, आपने बुक खोली, आपका नाम निकला और वहां से सारा का सारा आपका उसमें डिटेल मिल गया। इसी को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हो सकता है कि कई जगह पर ये छोटे लेवल पे हो, कई जगह पर ये बड़े लेवल पर हो जाती है। जैसे अभी हमने बात की शॉपकीपर की, तो वहां तक सीमित होता है, सिर्फ उसको अपने ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग रखनी होती है। वही अगर हम एक कंपनी की बात करें, एक पार्टनरशिप की बात करें या जॉइंट वेंचर की बात करें, तो वहां पर आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जहां पर हम बिल्कुल अपना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में मेनली क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग की। देखो, बुक कीपिंग नाम होता है इसका हिंदी में पुस्तक पालन। अब इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लीजिए। बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग होता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसको मेंटेन करने के आर्ट को क्या बोलते हैं, हम बुक कीपिंग बोलते हैं। और बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या आता है, ये भी हमारा बिल्कुल प्रोसेस में चलता है। जैसे हमने अकाउंटिंग सर्कल के बारे में बात किया था, ऐसे ही आपका बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का भी एक स्टेप बाय स्टेप अपना सर्कल चलता है, एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी यहाँ पर हमने जो हमारे लेन देन होते हैं, हम अपने पूरे लेन देन की यहाँ पर पहचान करते हैं। अब पहचान कैसे करेंगे भी, हम सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे अभी हमने शॉपकीपर का एग्जांपल लिया, सबसे पहले शॉपकीपर अपना देखेगा कि उसके टोटल ट्रांजेक्शंस क्या हुई है, उसने कौन कौन से ट्रांजेक्शंस की है और किन किन लोगों के साथ उसके ट्रांजेक्शंस हुई है। फिर उसके बाद आपका आता है मेजरिंग इन मनी, यानी इस लेवल पर हम बात करते हैं अपने ट्रांजेक्शंस को मनी में मेजर करना। ये सारे के सारे पॉइंट हम ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा थोरोली जल्दी जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका मेजरिंग इन मनी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमने अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया था, जिसको कि हमें अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, मनी में मेजर करते हैं, यानी उसको मुद्रा में मापते हैं, उसकी मनी वैल्यू क्या होगी। वो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम अकाउंटेंसी में इग्नोर करते हैं। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो विदाउट फाइनेंशियल नेचर की होगी, वो आपकी अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगी।
यहाँ पर थर्ड स्टेप पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं आपने ट्रांजेक्शन की, किसमें हम यहाँ पर अपना बनाते हैं जर्नल सब्सिडरी बुक से। अब हमने बताया था कि जर्नल में डेबिट क्रेडिट करके वो सारा हम अपना आगे बात करेंगे कि जर्नल कैसे बनाते हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। उसके साथ साथ आपकी जर्नल बुक्स होती हैं, जर्नल बुक्स में आपका मेनली क्या सब निकल के आता है। जर्नल बुक्स में हमारी होती है परचेज बुक, सेल्स बुक। अब ये सब सारे की सारी, जैसे मान लीजिए अगर आपने जितने भी क्रेडिट में परचेज की है, जितना भी क्रेडिट में आपने माल को खरीदा है वो सारा आपका परचेज बुक में चला जाता है, और जितना क्रेडिट में अपने माल को बेचा है वो सारा आपका सेल्स बुक में इंक्लूड हो जाता है। हमारा बुक कीपिंग का लास्ट स्टेप होता है क्लासिफाई, जिसमें हम अपनी जो ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्डिंग की थी उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, उसको हम अलग अलग कर देते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है वर्गीकरण करना, यानी उसका टुकड़ों में बांट देना। तो क्लासिफाई में हम यहाँ पर बनाते अपना लेजर, और लेजर क्या होता है, लेजर आपका एक तरीके से अकाउंट होता है जो आपकी टी शेप में होता है। अब यहाँ पर जितने भी पर्सन से जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन हुई है सभी का हमारे पास अलग अलग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने 3 पर्सन से अपने परचेजिंग की है, तो यहाँ पर उन तीनों का जैसे मान लीजिए रोहन मोहन सोन, यहाँ पर सबका अपना अलग अलग अकाउंट बनता है। अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि मान लीजिए आप किसी से परचेज करते हो इन क्रेडिट में, और एक महीने के बाद उस दुकानदार से जाके पूछते हो कि भाई हमारा कितना पैसा पेंडिंग है, हमें कितना पैसा देना है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बुक उठाता है और उसमें आपके नाम पे जाता है, यानी वो आपका इस स्टेप तक फॉलो करता है। यानी जो एक नॉर्मल शॉपकीपर होता है वो हमारा क्या करता है भाई, बुक कीपिंग को मेंटेन करता है, बुक कीपिंग रखता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग।